ओके बच्चों, तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज मैंने ग्रुप पे मैसेज करा है आप सबको, और एक बार फिर से सबको बता रहा हूँ कि सैटरडे को हम एचसीवी डिस्कस करने वाले हैं। तो एचसीवी पूरी हो जाएगी आपसे, अब मैंने उसमें जो डायरेक्टरी पोर्शन है वो भी आपको करवा दिया है, तो पूरी एचसीवी कंप्लीट करिए, सैटरडे को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज वन, अगर टाइम परमिट करेगा तो एक्सरसाइज वन भी कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। पहली प्रायोरिटी अपनी एचसीवी रहेगी, बाद में फिर एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू ये सब आएगी। ठीक है, ये सबको क्लियर? सैटरडे को टाइम भी लिख दिया मैंने 5:30, है ना? ओके बच्चों, चलो इसके अलावा मैंने आपको बीबी फाइव दिया था होमवर्क में, तो बीबी फाइव अगर आपने कर लिया है तो आज डिस्कस करें, कल ही कंप्लीट हुआ था तो पता नहीं शायद कर पाए होंगे कि नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे डन, नो डाउट इन इट, कर लिए है क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक काम कर लो, कल अपनी क्लास है, अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कल तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज वन प्लीज अगले हफ्ते कीजिएगा। हाँ ओके ठीक है, अपन अभी एक्टिविटी रखते हैं सिर्फ सैटरडे को, एक्सरसाइज वन से बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वेडनेसडे तक अपन एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू पूरी कर लेना, और आरसी सर्किट भी करना है आपको, याद रखिए आरसी सर्किट का जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल में चीजें थी आरसी सर्किट की, वो करना पड़ेगा आपको। उस पर एक बिगिनर बॉक्स है आरसी सर्किट पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल में, एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वो वाले क्वेश्चन भी करना रहेंगे आपको। ठीक है चलो, तो आज फिर अपन नई चीज आगे की स्टार्ट करते हैं। वैभव डाउट पूछ रहा है, एक इलस्ट्रेशन बता दीजिए, कौन सा इलस्ट्रेशन वैभव बताओ? 37 मैं देखता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये क्या, ग्लास प्लेट टोटली फिल्स अप द गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस, अच्छा whose capacitance in absence of that glass plate is equal to 20 microfarad. The capacitor is connected to a DC voltage source of 100 volt. The plate is slowly and without friction extracted from the gap. पहले ग्लास प्लेट थी और उसको बिना ग्लास प्लेट के जो कैपेसिटी वो दे दी है, और धीरे धीरे ग्लास प्लेट भी हटा ली गई है ना। फाइंड द चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड द मैकेनिकल वर्क परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ प्लेट एक्सट्रैक्शन। अच्छा तो कैपेसिटर की एनर्जी का चेंज बताना है, तो ग्लास प्लेट जब डाली होगी तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ के सी बी स्क्वायर होगी पहले एनर्जी, फिर बाद में एनर्जी कम हो गई होगी कैपेसिटर की, है ना, क्योंकि कैपेसिटी के टाइम कम हो जाएगी, तो इससे आप एनर्जी का चेंज तो निकाल सकते हो। वो देखो लिखा हुआ अभी, इनिशियल एनर्जी हाफ के सी इंटू बी स्क्वायर है, बाद में ओनली हाफ सी बी स्क्वायर है, तो डिफरेंस से तो एनर्जी आ जाएगा, है ना। उसके अलावा इन्होंने K की वैल्यू तो कहीं लिखी है नहीं, अब ग्लास प्लेट ग्लास का K तो दिया है नहीं, और बाद में K की जरूरत है आपको, K की वैल्यू नहीं दी गई है, तो K आपको ग्लास का शायद इन्होंने कहीं कहीं पर मतलब डाटा शुरू में कहीं दिया होगा, K ऑफ द ग्लास क्या होता है, वहां से उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा डायलेक्ट्रिक ग्रेट पंक्चर्ड मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वेब आपको ये क्लियर, अब के कहीं पर दिया होगा, किसी मॉड्यूल के अंदर कहीं पर दिया होगा के की वैल्यू, जब डायलेक्ट्रिक बताया होगा वहां दिया होगा के की वैल्यू, तो वहां से उन्होंने के की वैल्यू उठा के डाल दी है। ये कर लोगे अब आप, जैसे मैं ढूंढ आप ढूंढ सकते हो, वैसे मॉड्यूल में मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ग्लास, ढूंढना है ना। अब मेरे पास एक डाउट और आया है अंश का, डायलेक्ट्रिक गेट पंक्चर्ड का मीनिंग क्या होता है? डायलेक्ट्रिक गेट पंक्चर्ड मतलब वही डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, डायलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, अगर डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें फिर आयन्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो वो करंट फ्लो करवा सकते हैं, तो बस इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन कि करंट फ्लो हो गया, तो एक कंडक्टर जैसा हो गया, इसको पंक्चर्ड भी बोलते थे। ठीक है चलो, और कोई डाउट? वैभव को तो क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आगे स्टार्ट करते हैं, फिर हम डायलेक्ट्रिक्स अपना हो गया था, आज अपन स्टार्ट करेंगे आरसी सर्किट। लेट्स स्टार्ट आरसी सर्किट। आरसी सर्किट ठीक है, आरसी सर्किट में
दो तरह की सिचुएशन देखेंगे अपन, पहली सिचुएशन जहां कैपेसिटर चार्ज होता है, दूसरी सिचुएशन जहां कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले अपन चार्जिंग वाला केस समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सर्किट में सबसे पहले केस वन लिख लीजिए, चार्जिंग। नाउ व्हाट इज आरसी सर्किट? सिंपल मतलब है कि आर मतलब रजिस्टर, सी मतलब कैपेसिटर, इनसे कोई सर्किट बना दिया अपन ने। सबसे सिंपल चीज क्या कर सकते हैं अपन, एक रजिस्टर लो, एक कैपेसिटर लो, सर्किट में लगा दो। अच्छा, बिना बैटरी के तो कोई करंट वरंट आएगा नहीं, तो बैटरी भी लगा लो, चलो, है ना। तो सबसे इजी जो सर्किट हो सकता है आरसी सर्किट में, वो ये हो सकता है कि आपने एक बैटरी ली, एक रजिस्टर लगाया और एक कैपेसिटर लगा दिया, बस। ये सबसे सिंपलेस्ट आरसी सर्किट हो सकता है, सबसे सिंपल आरसी सर्किट। मान लो रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का ईएमएफ मान लेते चलो ई है, कैपेसिटी कैपेसिटर की सी मान लेते हैं। ये सिस्टम इनिशियली अपने देख लिया, ठीक है। जगन जी बोल रहा माइक पास कीजिए, माइक पास ही बेटा, चलो। तो ये हमने मान लिया कि इनिशियल सिचुएशन ये सब चीजें है, है ना, कि रजिस्टर कैपेसिटर बैटरी लगा दी हमने सर्किट के अंदर। अब जैसे ही मैं सर्किट स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही सर्किट स्विच ऑन करूंगा, तो बैटरी की वजह से सर्किट में ईएमएफ आ जाएगा, एंड ईएमएफ है तो रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में से कुछ हो सकता है, चार्ज फ्लो हो जाए। कैपेसिटर को चार्ज चाहिए होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, रजिस्टर में कुछ करंट चाहिए होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, और आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो। तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया, ये मैं टी इक्वल टू जीरो पर सर्किट को स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद की सिचुएशन हम मान लेते हैं, बैटरी की वजह से सर्किट में कुछ करंट आ गया है और कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया है, स्विच ऑन कर दिया था हमने, बैटरी का ईएमएफ ई, रजिस्टर आर, कैपेसिटी सी। मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस क्यू चार्ज आ गया, करंट की वजह से कैपेसिटर पर कुछ चार्ज आ गया, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। ये किसी जनरल टाइम टी पर मैंने मान लिया कि ऐसा है, टी जीरो पे सर्किट स्विच ऑन करा था, तब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली इट वॉज अनचार्ज, है ना, और ड्यू टू सेल उस पर चार्ज आ गया। चलो अब यहाँ पर अगर केवीएल की इक्वेशन लिखे, बाय केवीएल हम लिखेंगे ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो, सही है क्या है? देखो किसी टाइम टी पर मैंने सर्किट ये अज्यूम करा था, एट सम टाइम टी, तो उस समय मैंने केवीएल की इक्वेशन लिखी तो ये आएगा, है ना। ये सर्किट मैंने एट टाइम टी माना है, एट टाइम टी, ये केवीएल की इक्वेशन होगी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो आई आर इक्वल टू हो गया ई माइनस क्यू बाय सी, आई आर इक्वल टू हो गया ई माइनस क्यू बाय सी। नाउ ये आई और क्यू का क्या रिलेशन होगा, आई और क्यू का क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में सोचो। ये करंट आ रहा है सर्किट के अंदर, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट आ रहा है इसका मतलब चार्ज आ रहा है, तो चार्ज इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस कैपेसिटर के प्लेट पर करंट की वजह से चार्ज आ रहा है, और कैपेसिटर का कुछ चार्ज है ऑलरेडी, तो चार्ज और आने से ये चार्ज चेंज होगा, एंड करंट शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस चार्ज ओनली। यहाँ अगर कुछ आई करंट है तो इस चार्ज को ही तो इंक्रीज करेगा वो, तो इस क्यू का इंक्रीमेंट ही तो डी क्यू बाई डी टी तो आई होना चाहिए, है ना। हम यहां पे लिख सकते हैं बट डी क्यू बाई डी टी आई, हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज आई। ये समझ में आया क्या आपको? बच्चे बोल रहे हैं यार बहुत बढ़िया है ना। तो उठा के इस आई को मैं डी क्यू बाई डी टी डाल देता हूं, तो मेरे पास एक चार्ज की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही इक्वेशन? dq by dt into r this equal to e minus q by c, ना? तो करा क्या है हमने? कुछ नहीं, सर्किट को t जीरो पे स्विच ऑन करा था, आफ्टर सम टाइम सर्किट में कुछ करंट मान लिया, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज अज्यूम कर लिया, केवीएल की इक्वेशन लिखी, करंट को चार्ज का रिलेशन लिखा, इक्वेशन बना ली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे Q और Q, Q वाले वेरिएबल एक तरफ लाओ, Q वाले एक तरफ ले जाओ, इंटीग्रेट कर लो, आगे इसको लिख दो dQ upon E minus Q by C is equal to, वहाँ R डिनोमिनेटर ले जा रहा हूँ मैं, into dt,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई मेरे पास, दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूं मैं। टी जीरो पे हम जानते थे कि चार्ज जीरो था, और किसी समय टी पे मैंने चार्ज को क्यू माना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। चलो क्या इंटीग्रेशन कर पाओगे इसका? मैं बता देता हूं, चलो इस वाले एक्सप्रेशन का। तो यहां पे देखो क्यू के इंटू में 1 बाई सी है, माइनस 1 बाई सी, और क्यू ही हमारा वेरिएबल है और क्यू की पावर यहाँ 1 है, तो डिनोमिनेटर में क्यू का एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन जिसमें क्यू की पावर 1 है तो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो 1 अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे 1 अपॉन x का क्या होता है ln x, तो इसका भी 1 ln x ही आता है, लेकिन जो x पूरा लिखा है वो पूरा लिखना पड़ेगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन पूरा लिखना पड़ेगा, और जो x के इंटू में उसे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो इस वाले एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dx अपॉन ax प्लस बी, ये लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन होता है x के जो इंटू में है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंटू ln ऑफ ax प्लस बी, आपको याद होना चाहिए है ना इंटीग्रेशन का ये वाला रिलेशन, बस इसे यूज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास ln ऑफ ये a, यहाँ पर माइनस 1 बाई सी है तो माइनस 1 बाई सी से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे q के इंटू में माइनस 1 बाई सी है तो माइनस 1 बाई सी से डिवाइड करा, और अंदर आ जाएगा e माइनस q बाई सी, जो अंदर ये लिखा है पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, ये हो गया LHS का इंटीग्रेशन। अब RHS 1 अपॉन r तो कॉन्स्टेंट है, बाहर लो dt का इंटीग्रेशन सिंपली t हो जाएगा, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, क्या समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने मुझे जवाब भी दे दिया, सही बिल्कुल सही। अब लिमिट्स लगाएंगे यार, हम फिजिक्स में बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन नहीं करते हम कभी भी, लिमिट्स लगाएंगे। यहाँ पर q की लिमिट 0 टू q है, वहाँ टाइम की लिमिट 0 से t है, और मैंने देखा है बच्चों से ना बहुत गलती लिमिट लगाने में होती है, कई क्वेश्चन में लिमिट गलत लगा देते हैं या लिमिट लगाने ही भूल जाते हैं तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो याद रखो फिजिक्स में कभी भी बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमेशा फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। नाउ ये माइनस वन बाय सी ये नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर ना, ये सी को ऊपर ले जाते हैं अपन तो माइनस सी, वो आर भी इधर आ जाएगा माइनस आर सी, तो माइनस आर सी को उधर ही ले जाता हूँ मैं, एक काम करता हूँ यहाँ पे केवल एल एन वाला एक्सप्रेशन रखता हूँ मैं और ये माइनस वन बाय सी को उधर ही भेज देता हूँ, वहाँ माइनस आर सी आ जाएगा। फिर लॉग वाले एक्सप्रेशन में पहले क्यू रखेंगे तो ई माइनस q by c ही आएगा, फिर माइनस लगा के log of q को जीरो डालेंगे तो q को जीरो डालेंगे तो ओनली e बचेगा, और उस तरफ ये माइनस वन बाई सी को मैं वहीं ले गया तो माइनस वन अपॉन आर सी, फिर t को पहले t रखेंगे फिर जीरो रखेंगे, ये मैंने लिमिट लगा दी। फिर log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m by n e माइनस q by c अपॉन e, ठीक है, इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। अब लॉग ऑफ समथिंग है तो उसको ई की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ ई से डिवाइड करो तो 1 माइनस क्यू बाय सी ई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, मैंने ई की पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्यू बाय सी को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, फिर सी ई को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू का एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, क्यू का एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, देखो सी ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, मेरे पास क्यू का एक्सप्रेशन आ गया। कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो कैसे करा है समझ लो अच्छे से, बहुत बढ़िया। कैपेसिटर पे चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया अपन ने, है ना। अब तुम्हें चार्ज पता है तुम करंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने देखो ना करंट का रिलेशन लिखा तो था, करंट इज dq / dt, करंट इज dq / dt, दिस इंप्लाइज दैट करंट इज dq / dt, उसको डिफरेंशिएट कर लो, c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ही रहने दो, c को यहां माइनस साइन था और एक माइनस ऊपर से और आएगा ना, लेकिन अगर एक्स के इंटू में कुछ होता है तो उसको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है,
तो माइनस वन बाय आर सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर माइनस सी बाय आर सी, ये एक्सप्रेशन आएगा अंदर वाले टर्म का इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा अच्छे से लिखो, एक्स से सी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यार ई बाय आर e की पावर माइनस सी बाय आर सी, ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया। सर्किट में करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल लिया, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों आ गए। इज दिस क्लियर? कैसे निकाले ये सारे एक्सप्रेशन, समझ में आ रहे? यस, ओके। तो आरसी सर्किट में आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कैपेसिटर का चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, सर्किट में करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, या रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे, जो भी चीज पूछी जाए आप निकाल सकते हो उससे। और ये मैंने तो बहुत सिंपल सर्किट लिया है, जब बड़े सर्किट होंगे ना तब भी करने का तरीका तो यही है। आप हमेशा पहले सर्किट इनिशियल क्या है वो देखो, किसी जनरल टाइम पे सर्किट ड्रॉ करो, उस सर्किट के अंदर करंट चार्ज को एज्यूम कर लो कुछ, फिर केवीएल की इक्वेशन लिखो, फिर करंट और चार्ज का रिलेशन लिख लो, है ना, करंट और चार्ज का रिलेशन लिख लो, फिर ये करंट की वैल्यू यहाँ पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करो, तो कैसा भी क्वेश्चन में सर्किट आ जाए। ये तो सिंपल सर्किट लिया, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में भी करना तो यही सब है आपको, ठीक है। उसके बाद आप जब भी सॉल्व करोगे ना तो आपको अधिकतर है ना ऐसी इक्वेशन मिलती है, इसी तरह की इक्वेशन मिलती है हमें, इक्वेशन कुछ इसी टाइप की मिलती है। अब जरा इस इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज करते हैं, अपन इक्वेशन को समझते एक बार अच्छे से, है ना। अच्छा एक मिनट, इक्वेशन समझने से पहले रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप पूछे तो निकाल सकते हो क्या, इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या वो निकाल सकते हो क्या, क्या लिखेंगे? आई आर आएगा, बिल्कुल सही है ना, रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर होगा, बिल्कुल सही। कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकते हो ना, क्यू बाई सी होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो वो सब लिख लेना, है ना, मैं उनके एक्सप्रेशन लिख नहीं रहा हूँ तो आप लिख लेना, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, वी आर शुड बी इक्वल टू आई आर एंड वी सी शुड बी इक्वल टू क्यू बाई सी, तो दोनों ही तो मैं फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो। चलो अब इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पर इक्वेशन जो आई थी क्यू इक्वल टू सी ई वन माइनस ई की पावर माइनस सी बाय आर सी, ये सी क्या है यहाँ पर और आर सी क्या है समझने की कोशिश करते हैं। टी को जीरो डाल के देखो, टी को जीरो डालो तो ई की पावर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो चार्ज जीरो आ जाएगा। तो शुरू में चार्ज जीरो ही था, कैपेसिटर पे होना भी चाहिए था। चलो टी को धीरे धीरे बढ़ाते चलते इनफाइनाइट ले लेते, टी को इनफाइनाइट ले लो, टी को इनफाइनाइट ले लो, तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी तो जीरो आएगा, दिस टर्म विल बिकम जीरो, तो चार्ज आ जाएगा सी, है ना। एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी चार्ज स्टैंडिंग टू सी, चार्ज स्टैंडिंग टू सी, देखो अच्छे से, टी को इन्फिनिटी डालो तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, ये टर्म जीरो, तो सी बचेगा सिर्फ, ठीक है। मतलब ये सी क्या है, कैपेसिटर पे इन्फाइनाइट टाइम बाद का चार्ज, इन्फाइनाइट टाइम बाद का चार्ज क्या है, इन्फाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो सी है, तो बाहर जो टर्म लिखा हुआ है वो कैपेसिटर पे इन्फाइनाइट टाइम बाद का चार्ज है, और अंदर वाला एक्सप्रेशन जरा ध्यान से देखो, ई की पावर नेगेटिव है तो एक से छोटा होगा वो, वन माइनस एक से छोटा नंबर, ये ओवरऑल नंबर भी वन से छोटा ही आएगा, तो सी से कम ही चार्ज था हमेशा, अगर देखेंगे तो सी से कम ही चार्ज था, दिस नंबर इज लेस देन वन, मतलब चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू ही सी है, दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर टू मैक्स वही सी है, ठीक है। तो टी जीरो पर कैपेसिटर पर चार्ज नहीं है एंड टी इनफाइनाइट पर रेजिस्टेंस में करंट नहीं है, बिल्कुल सही बुरा उद्दीन, इनफाइनाइट टाइम पर करंट जीरो क्यों हो रहा है, ये मेरे पास डाउट आया, इन्फाइनाइट टाइम पे कब करंट जीरो क्यों हो रहा है, वो इक्वेशन बता रही है जीरो हो रहा है ना, हम समझते हैं अभी, वही तो समझना है अपन को। चलो तो ये चार्ज के बारे में मुझे समझ में आया कि इन्फाइनाइट टाइम बाद चार्ज यहाँ पे सी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं, हम तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं,
कैपेसिटर में चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन प्लॉट करते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो t को जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा, e की पावर माइनस एक्स है यहाँ पर, वन माइनस e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, कैसा बनना चाहिए? यशवर्धन वेट वापस से पूछ रहे ना आप, डिक्रीजिंग नहीं होगा ये, देखो पहले जीरो से चार्ज स्टार्ट होगा, फिर t इंफिनिटी पे c पहुंचना चाहिए, t इंफिनिटी पे c पहुंचना चाहिए, और आपने मैथ पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, तो मुझे लगता है तुम्हें इसका ग्राफ आना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी फंक्शंस वगैरह हो गए, ग्राफ हुआ फंक्शंस में, यस है ना, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हो आप, क्या होना चाहिए, फिर उसमें वन ऐड करेंगे तो वन अमाउंट से ग्राफ को शिफ्ट करना चाहिए, e की पावर माइनस एक्स का यहाँ नेगेटिव पे कट करके वो जाएगा, और वन अमाउंट से उसको माइनस करना है, उस e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ में बनाता हूँ, चलो शायद e की पावर एक्स का ग्राफ को जैसे पढ़ा होगा आपने, ये होता है e की पावर एक्स का ग्राफ, फिर e की पावर माइनस एक्स के लिए इससे आप उल्टा कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ e की पावर माइनस एक्स का, फिर इसमें नेगेटिव साइन लगाना है बाहर, माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस करेंगे तो ये नीचे की तरफ प्लॉट करना पड़ेगा आपको ऐसा, और नीचे की तरफ प्लॉट करने के बाद ये ट्रेंडिंग टू जीरो होगा ऐसा, और फिर उसमें वन ऐड करना है तो वन अमाउंट से ऊपर शिफ्ट कर दो, वन अमाउंट से ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, वो नेगेटिव साइड में भी होगा, उसे मैंने दिखाया नहीं, पी नेगेटिव हमारे फिजिक्स में मतलब नहीं कुछ, तो इसलिए नेगेटिव साइड में दिखाया नहीं, ग्राफ ऐसा हो गया, चलो बिल्कुल सही। तो ये चार्ज का ग्राफ आ गया, अब इस ग्राफ से हमें एक पॉइंट इसमें पता है कि इनफाइनाइट टाइम बाद धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू सी की तरफ टेंड हो रही है, इनफाइनाइट टाइम बाद चार्ज सी की तरफ टेंड हो रहा है, तो ये बता रहा है हमको ग्राफ की कैपेसिटर का चार्ज धीरे 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 इंक्रीज करता है, करता है, करता है, करता है, कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, कैपेसिटर का चार्ज बढ़ते 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 सी हो गया, और सी तो मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर आ सकता है, आप ध्यान से देखो मैंने ईएमएफ का सेल लगाया है, सी कैपेसिटर है, तो बैटरी जब कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज देगी तो कितना दे सकती है, सी ई पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, सी, तो सी ही पहुंच गया चार्ज, और एक बार कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज पहुंच गया, अब और चार्ज आ नहीं सकता, इसलिए सर्किट में करंट जीरो हो गया, अब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज एक्वायर कर चुका है, और चार्ज आ नहीं सकता, तो सर्किट में करंट ही जीरो हो गया, समझे, ये पॉइंट समझ में आया। T0 पर कैपेसिटर अनचार्ज था, T0 पे अनचार्ज था, तो सर्किट में E बाय R का करंट है, आप जरा इस इक्वेशन में T को जीरो डालो, मैं इसका ग्राफ बना ही लेता हूँ ना, करंट का इक्वेशन का ग्राफ, करंट की इक्वेशन में T को जीरो डालो तो E बाय R करंट आ रहा है, उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है, टेंडिंग टू जीरो हो रहा है इनफिनिट टाइम पे, तो शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज है, तो ये बिल्कुल एक वायर जैसा बिहेव कर रहा है, E by R का करंट आ गया शुरू में, T equal to 0 पे E by R का करंट है, मैक्सिमम पॉसिबल करंट है सर्किट में T equal to 0 पर E by R, धीरे धीरे कैपेसिटर के चार्ज होने से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के चार्ज होने से बढ़ा, तो रजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस कम मिला, करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, करंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है वैसे वैसे करंट कम होते जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, करंट भी जीरो हो गया, समझ में आ रही बात पूरी, यार कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो अल्टीमेटली कैपेसिटर ने करंट को अलाउ बंद कर दिया, करंट अलाउ नहीं, अब करंट क्योंकि और आएगा तो कैपेसिटर और चार्ज हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो तो ये अपने सर्किट में करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ बना लिए, चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ बना लिए, अब ये तो अपन ने समझ लिया कि सी का मतलब क्या था, कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज, और ये ई बाय आर का मतलब क्या था, सर्किट का इनिशियल करंट मैक्सिमम करंट, बाद में ये जो आरसी टर्म है ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखो टी बाय आरसी लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशन में टी बाय आरसी लिखा हुआ है, टी के डिनोमिनेटर में आरसी है, और ई की जो पावर होती है वो हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए, ई की पावर हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो टी बाय आरसी इज डायमेंशन लेस, मतलब आरसी इज ऑल्सो हैविंग अ डायमेंशन ऑफ टाइम, आरसी इज ऑल्सो हैविंग अ डायमेंशन ऑफ टाइम,
RC is also having a dimension of time. क्या ये समझ में आया? Yes. है ना, इसको लिख लेना आप अच्छे से. RC की डायमेंशन वही होगी जो टाइम की डायमेंशन है. मतलब RC एक तरह का टाइम है. क्या टाइम है वो? चलो T को RC डाल के देखते हैं क्या होता है. T को RC डाल देते हैं, T इक्वल टू RC रख देते हैं, तो RC बाय RC बन हो जाएगा, RC बाय RC बन हो जाएगा. तो चार्ज हो जाएगा CE इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1. मेरे पास स्पेस थोड़ा बनाता हूं मैं शुरू का जो ये बीच का मैथमेटिक्स हटा रहा हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है. हम बीच का मैथमेटिक्स इसे बता देंगे. आपने नोट तो कर लिया था ना, है ना? यस. और नहीं भी कराओ तो अब तो तुम मन से करना पड़ेगा, मैंने हटाई दिया जो कि. चलो तो मैं बोल रहा था यहाँ पर कि एट T इक्वल टू आर सी देखते क्या होता है. T को आर सी डाल दो तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी CE 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, मतलब CE इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई. 1 अपॉन ई की वैल्यू आपको याद होना चाहिए. 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.37 पुट करो तो चार्ज हो गया CE इंटू 0.63 अप्रोक्सीमेटली. मतलब मैक्सिमम चार्ज का 63%. This is 63% of maximum charge. 63% of maximum charge. तो हम इस RC time को एक special नाम दे देते हैं, इसे बोल देते हैं हम circuit का time constant. Time constant. अब कुछ तो बोलना है इसको, कुछ नाम देना है, तो time constant ही नाम दे दिया. चुन्नू मुन्नू तो बोलेंगे नहीं अपन इसको, है ना? तो time constant बोल दिया. T इक्वल टू आर सी, आर सी को अपन बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट. आर सी एक टाइम है, उसे बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट. क्या स्पेशलिटी दिख रही है इसकी? आर सी की स्पेशलिटी क्या दिख रही है हमको? उस पर जो चार्ज है ना वो 63% ऑफ मैक्सिमम है. कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होते 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 63% चार्ज हो गया. मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज आ गया. मैं ग्राफ में दिखाऊं तो T इक्वल टू आर सी टाइम पर चार्ज मैक्सिमम का 63% दिख जाएगा मुझको. ये T equal to RC time पर यहाँ पे 63% of CE चार्ज होगा. ये स्पेशलिटी हो गई RC की. RC को बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, उस पर सर्किट 63% चार्ज होता है. क्या ये समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आ रही है टाइम कॉन्स्टेंट की? कोई भी पूछे टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो टाइम कॉन्स्टेंट इज R into C. सर्किट में जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट है. क्या स्पेशल होता है इस पे? At t equal to time constant time, circuit gets 63% charge. Capacitor gets 63% charge. Capacitor 63% charge हो जाता है. Maximum charge का उसमें 0.63 times charge होता है. ऐसे अपन लिख सकते हैं. तो I hope कि सबको ये clear है time constant का मतलब. अच्छा देखो, चार्ज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. कभी मैक्सिमम का आधा भी हुआ होगा ना, बीच में किसी समय पे आधा भी हुआ होगा. तो आधा कब होता है वो निकालते हैं. हाफ चार्जिंग टाइम, हाफ चार्जिंग टाइम ये निकालते हैं. आधा कब चार्ज होता है कैसे निकालेंगे? हमें तो चार्ज की इक्वेशन पता है. तुम्हें पता है मैक्सिमम चार्ज सी है, तो हाफ चार्जिंग टाइम पर सी बाय टू चार्ज जाएगा, है ना? चार्ज को सी बाय टू लिख सकते हैं. तो यहां से अब तुम टाइम निकाल सकते हो किस टाइम पे ऐसा होगा. अभी इसका मैथ सॉल्व करने की मेहनत आप करोगे, ऑफ कोर्स मैं इतना सब नहीं करूंगा, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनल आंसर क्या आएगा. वो आता है इस जो टाइम कॉन्स्टेंट है ना, इसको स्पेशल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर देते. चलो इसे बोल देते टाउ. टाउ टाइम कॉन्स्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते. तो जहां भी आरसी आएगा उसको अपन टाउ लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है टाउ ln2, मतलब RC ln2. सॉल्व करोगे तो RC ln2 आएगा. RC ln2 वो टाइम है जब कैपेसिटर हाफ चार्ज हो गया है, मैक्सिमम का 50% चार्ज. RC ln2 यहाँ पे 50% ऑफ CE चार्ज या CE बाय 2 चार्ज. ये समझ में आया? आओ स्टैंडर्ड है क्या? हाँ,
आरसी आरसी को अपन टाउ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट टाइम कांस्टेंट। चलो कैपेसिटर पे चार्ज आरसी एल एन टू टाइम मतलब टाउ एल एन टू पे आधा होता है। करंट का क्या होता है, करंट चेक करो आरसी एल एन टू टाइम पर करंट क्या होगा, टाउ एल एन टू टाइम पर करंट क्या होगा और टाउ टाइम पर करंट क्या होगा। टाउ का मैं बता देता हूँ, टाउ टाइम पे करंट मैक्सिमम का 37% बचता है, 37% ऑफ सी आर ई बाय आर। टाउ टाइम पे करंट मैक्सिमम का 37 बचता है, कैपेसिटर का चार्ज 63% हो गया तो करंट 37% बचा। ठीक है, अब टाउ एल एन टू टाइम पे करंट कितना होता है निकालो, ई बाय टू आर, बिल्कुल सही, हाफ होता है। ये बहुत स्पेशल टाइम है टाउ एल एन टू, उस पर कैपेसिटर का चार्ज ज्यादा और सर्किट में करंट ज्यादा। मैक्सिमम का जो शुरू में करंट है उसका हाफ करंट होता है, कैपेसिटर में चार्ज जो मैक्सिमम आ सकता है उसका हाफ चार्ज होता है। ठीक है चलो, ये टाइम कांस्टेंट बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो टाइम कांस्टेंट याद होना चाहिए आपको क्या है, टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आर इनटू सी। चलो बेसिक बेसिक सारी चीजें आपने जो अपन को पढ़ना थी वो सब देख लिया अपन ने। एक सिंपल आरसी सर्किट के अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक बैटरी। टी जीरो पर सर्किट स्विच ऑन करा तो स्विच ऑन करने का सर्किट में चार्ज करंट दोनों चेंज होते हैं, चार्ज का ग्राफ ये, करंट का ग्राफ ये दोनों बना दिए। अब पोटेंशियल का ग्राफ भी पूछ सकते हैं आपसे, वो बना सकते हो, कैपेसिटर का पोटेंशियल ग्राफ भी पूछ सकते हो, वो बना सकते हो, है ना। और हमने समझा कि धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, जिससे रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कम होते गया इसलिए सर्किट में करंट कम होते जा रहा है, तो कैपेसिटर का करंट इसलिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस की भी ग्राफ बनाई देता हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ अगर बनाएंगे हम तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी, जो क्यू का ग्राफ है वैसे ग्राफ दिखेगा बिल्कुल, जो क्यू का ग्राफ है बिल्कुल वैसी ग्राफ दिखता है ये। ठीक है, और रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस करंट वाला ग्राफ जैसा दिखता है, दोनों ही एक दूसरे को कट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू दोनों की ई आएगी, इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर का पोटेंशियल ई और रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और बीच में एक पॉइंट पर कट करते हैं, कब कट करते हैं, टाउ एल एन टू, जिस समय दोनों आधे आधे हो जाएंगे, टाउ एल एन टू आरसी एल एन टू टाइम पर दोनों हाफ ऑफ होते हैं, ये समझो। ये ऊपर वाला ग्राफ बनाया है कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये बनाया है रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। समझो सब अच्छे से, इज एवरीथिंग क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है, डाउट आया है सर आज आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, आवाज थोड़ी कम है, क्या बात कर रहे हो, हेडफोन तो सही है इसमें, चलो मैं चेक करता हूँ। नोट कर लीजिए लीजिए बाकी आप, अब देखिएगा साउंड ठीक है, यस ओके ठीक है। तो हमने आरसी सर्किट में बेसिक चार्जिंग सर्किट पढ़ा है,
अब इसके कई सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। वेरिएशंस मतलब हमने अभी देखो एक ही कैपेसिटर और एक ही रेजिस्टर लगाया है क्वेश्चन में, हमारी इक्वेशन जो आई है वो कुछ इस तरह की आई है। अच्छा इक्वेशन इसी तरह की आती है जब जब अपन है ना सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे सर्किट में, कैपेसिटर एक ही हो, रजिस्टर्स और बैटरी चाहे बढ़ा दो आप, इक्वेशन हमेशा एक ही आती है। मतलब क्यू इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज, ये सर्किट में मैक्सिमम चार्ज होता है, इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, आर सी को टाउ बोल दो। तो वो इक्वेशन को याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका आप ऐसा रख सकते हो, मैं यहाँ स्पेस बना के लिख देता हूँ, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। इस तरह की इक्वेशन आती है हमेशा जब जब एक ही कैपेसिटर हो ना, तो हमेशा ऐसी इक्वेशन आती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, मैं एक और एक सर्किट सॉल्व करके बताता हूँ आपको, है ना। तो चार्जिंग का ही केस ले रहे हम, नेक्स्ट देखो ये बैटरी मान लो यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, एक रजिस्टर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं सर्किट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, और यहाँ एक कैपेसिटर लगा देते हैं। अब सर्किट पहले जैसा सिंपल नहीं है, मैंने दो रजिस्टर्स लगा दिए, एक कैपेसिटर दो रजिस्टर से, ठीक है। मान लो बैटरी का ईएमएफ ई है, रजिस्टर दोनों फिलहाल सेम मान लेते हैं अपन आर, और कैपेसिटी सी मान लेते हैं, कैपेसिटी सी मान लेते हैं, ठीक है। अब सर्किट स्विच ऑन करते, तो स्विच ऑन करके फिर वही सब अपन बेसिक से एक बार सॉल्व करके देखते। स्विच ऑन करा टी इक्वल टू जीरो पर, कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज है, मैंने बोल दिया आपको, चार्ज भी देखेंगे अपन बाद में, जो कैपेसिटर चार्ज होंगे उसका क्या होगा वो भी अपन समझेंगे बाद में, अभी तो अनचार्ज लेके चलते हैं, ठीक है। और टी इक्वल टू जीरो पर सर्किट स्विच ऑन करा, थोड़ी देर बाद डायग्राम बनाते हैं सर्किट का, चलो ऑफ कोर्स थोड़ी देर बाद कैपेसिटर में कुछ चार्ज आ गया होगा क्योंकि सर्किट में कुछ करंट आया होगा, बैटरी से कुछ करंट मान लेते कैपिटल आई आ रहा था, उसमें से स्मॉल आई करंट यहाँ पे कैपेसिटर में गया, तो कैपेसिटर पे चार्ज हो गया प्लस माइनस क्यू, रजिस्टर आर में बचा हुआ करंट आई माइनस आई गया, और यहाँ पे वापस से आई करंट आ जाएगा इस रजिस्टर में, ठीक है। ये सर्किट में मैंने केवीएल इक्वेशन मैंने अज्यूम कर लिया करंट्स वगैरह को, अब इक्वेशन बना लेते केवीएल की। तो दो लूप दिख रहे, दो इक्वेशन बनाते, एक तो ये वाला लूप दिख रहा मुझको, इस लूप की इक्वेशन बनाते हैं। तो ई बैटरी का ईएमएफ ई माना था, यहाँ कुछ भी नहीं है, रजिस्टर में नीचे जाएंगे तो आर माइनस में आएगा आर टाइम आई माइनस आई, इस रजिस्टर में जाएंगे तो माइनस कैपिटल आई आर इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बनी। दूसरे लूप की इक्वेशन बनाते, कैपेसिटर को क्रॉस करते पहले, तो माइनस क्यू बाय सी, फिर इस रजिस्टर को क्रॉस करते प्लस आर इंटू आई माइनस आई इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में स्मॉल आई कैपिटल आई दोनों है, ऊपर भी स्मॉल आई कैपिटल आई दोनों है, और कैपेसिटर का जो चार्ज है वो होगा डी स्मॉल क्यू बाय डी टी, सॉरी ये जो स्मॉल आई करंट है वो होगा डी स्मॉल क्यू बाय डी टी, कैपेसिटर पे चार्ज का रेट ऑफ चेंज ये स्मॉल आई करंट होगा। तो एक काम करते हैं, स्मॉल आई के टर्म के इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, कैपिटल आई को यहाँ से इलिमिनेट कर लेते हैं अपन। तो नीचे वाली इक्वेशन से कैपिटल आई की वैल्यू निकालता हूं मैं, उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्यू बाय सी को वहां ले जाता हूं, तो आर इंटू कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई शुड इक्वल टू क्यू बाय सी प्लस हो जाएगा, ये आर से वहां डिवाइड कर देते हैं और ये स्मॉल आई उधर लेके चले जाते हैं। ये कैपिटल आई की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में रख देते, तो ई माइनस आर कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, तो कैपिटल आई ये माइनस माइनस प्लस आर इंटू स्मॉल आई माइनस कैपिटल आई आर इक्वल टू जीरो। अब इसमें मैं कैपिटल आई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ई माइनस आर आई माइनस टू आर आई था और आई की वैल्यू लिख दूंगा मैं स्मॉल आई प्लस क्यू बाय आर सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। देखो ये इक्वेशन बन गई, यहां तक समझ में आई क्या चीजें, ये इक्वेशन समझ में आई क्या मैंने क्या करा। यस ओके, अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं, स्मॉल आई को डी क्यू बाई डी टी लिख दूंगा मैं, जो कैपेसिटर में करंट है शुड बी डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी लिख के उसको आगे सॉल्व करते हैं, पुरानी चीजें हटा रहे उस समय।
ठीक है चलो, अब इसमें स्मॉल आई वाले टर्म इकट्ठा कर लेता हूं, तो माइनस टू आर आई आई आर, माइनस टू आर आई प्लस आई आर है ना, तो प्लस आई आर और माइनस टू आर आई, एक माइनस आई आर बचेगा, तो ई माइनस आई आर, और ये टू आर का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आर आई प्लस क्यू बाय आर सी, तो माइनस क्यू टू क्यू बाय सी बचेगा, ये न्यूमरेटर में टू बच जाएगा, आर सी आर कैंसिल, देखो ये इक्वेशन बचेगी है ना इक्वल टू जीरो। अभी आई आर को वहां ले जाते हैं और आई को लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी, तो आर डी क्यू बाई डी टी शुड इक्वल टू ई माइनस टू क्यू बाई टी, ये इक्वेशन आ गई। डी टी को वहां ले जाते और इस ई माइनस पूरे टर्म को नीचे लेके आते, ई माइनस टू क्यू बाई सी, इस पूरे टर्म को यहाँ नीचे लेके आ गया, ये इक्वेशन है। दोनों साइड इंटीग्रेट करते, जीरो से टी टाइम चार्ज जीरो से क्यू जा रहा है, जीरो से क्यू जा रहा है, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर, आर कांस्टेंट है बाहर रखो, फिर डी क्यू अपॉन इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा ई माइनस टू क्यू बाई सी, और जो क्यू के मल्टीप्लीकेशन में माइनस टू बाई सी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें लिमिट्स लगानी है आपको जीरो से क्यू, और वहां पर टी में लिमिट्स जीरो से टी। क्या ये स्टेप समझ में आई? यस बिल्कुल सही है ना, और छोटा सा फर्क हो गया है, छोटा सा चेंज हो गया है कि पहले यहाँ पर क्यू बाई सी था, टू क्यू बाई सी आ गया, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं है। चलो बस इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करो फटाफट, देखो कि इक्वेशन क्या आती चार्ज की, तो ये माइनस टू क्यू बाई सी यहाँ पर लेके आता हूं मैं, तो सी आर आर सी हो जाएगा और ये बाय टू हो जाएगा नीचे, लॉग में लिमिट्स लगा देंगे अपन, पहले क्यू रखेंगे तो पूरी की पूरी वही एक्सप्रेशन आएगा ई माइनस टू क्यू बाई सी, फिर जीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एम, लॉग एम बाय एन हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन कर दिया, उधर टी ये आर सी वाला टर्म वहां ले जाते हैं, ई से यहाँ डिवाइड करते हैं, तो एल एन वन माइनस टू क्यू बाय सी ई शुड इक्वल टू माइनस टू टी बाय आर सी, तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, चार्ज की इक्वेशन मिल जा रही है आपको, इट इज सी बाय टू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी बाय टू, ये इक्वेशन मिल गया इनको फाइनल। देखो फाइनली दिखने में बिल्कुल वैसी इक्वेशन है जैसे पिछली बार मिली थी, ये मैक्सिमम चार्ज जैसे कुछ टर्म दिख रहा है वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाइम कॉन्स्टेंट, अब की बार हमको जो मैक्सिमम चार्ज दिख रहा है वो दिख रहा है सी बाय टू, वो जो टाइम कॉन्स्टेंट दिख रहा है वो दिख रहा है आर सी बाय टू, तो मैक्सिमम चार्ज और टाइम कांस्टेंट बदल जाते हैं सर्किट के हिसाब से, बाकी इक्वेशन आती है कुछ इस तरह की, जब भी आपके पास सर्किट में एक ही कैपेसिटर है और बैटरीज और रजिस्टर का कुछ कॉम्बिनेशन है तो हमेशा ही ऐसी इक्वेशन आती है, प्रोवाइडेड कैपेसिटर भी शुरू में अनचार्ज हो ऑफकोर्स, ठीक है, तो इक्वेशन कुछ इसी तरह की आएगी, समझ में आ रही बात? ठीक है चलो ओके। अब ये जो इक्वेशन आती है ना इसको जल्दी कैसे डिराइव कर ले, जल्दी कैसे डिराइव कर ले, ये इतना लंबा थोड़ी हर बार करते रहेंगे अपन है ना, हर बार थोड़ी ऐसी इक्वेशन बना के ये सब करते रहेंगे, इसके हमारे पास ट्रिक्स भी है, तो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरे पास कुछ डाउट आ रहे हैं, सर शुरू में चार्ज रहे तो सिर्फ लिमिट चेंज होगी, बिल्कुल सही गगनदीप, अगर शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज नहीं दिया है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस यहाँ पे लिमिट चेंज कर दूंगा, ये जीरो के बदले ना कुछ और जो शुरू का चार्ज है वो लिख देंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ लिमिट में चेंज कर देंगे। और मेरे पास एक और डाउट आया, सर बैटरी जितना करंट दे रही है उतना वापस क्यों मिलता है? अच्छा, बैटरी में कोई चार्ज थोड़ी स्टोर करती हो, वो एक टर्मिनल से बैटरी के अंदर होता क्या आयंस होते, और आयंस का नेट चार्ज जीरो होता है, उसमें मिलकर जो प्लस माइनस आयन है जीरो चार्ज बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जैसे जितना चार्ज देता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे उतना ही नेगेटिव आयन देता है, नेट में थोड़ी यहाँ पर कुछ चार्ज होता है, तो इसलिए बैटरी के एक टर्मिनल से जितना चार्ज बाहर जाएगा दूसरी तरफ से उतना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मेरे पास एक डाउट है सर, बट अभी तो करंट कम मिल रहा है बैटरी को, कैसे? यशवर्धन क्या बोल रहे हो, बैटरी को करंट कम मिल रहा है, ये कैसे बोला आपने, कम करंट मिल रहा है ये क्या बोल रहे हो आप?
तो स्टार्ट में आई दिया एंड सेम मिला विथ टाइम जीरो हो गया। अभी इस क्वेश्चन में तो मैंने करंट के बारे में कुछ बताया नहीं आपको, तो आप कैसे बता रहे हो? करंट की इक्वेशन तो निकाली नहीं अभी तक मैंने आपने, तो अब ये बोल कैसे रहे हो आप जो भी बोल रहे हो? सर स्टार्ट में आई दिया एंड सेम मिला विथ टाइम जीरो हो गया। आप आरसी सर्किट में बोल रहे हो क्या? अच्छा पिछले वाली क्वेश्चन से, अच्छा ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक्चुअली सर्किट चेंज हो रहा था ना, बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है, बैटरी कोई करंट देने की कोशिश नहीं करती, बैटरी चाहती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस करना चाहती क्रिएट वो अगर हो गया तो बैटरी खुश है। अब अगर सर्किट में सिर्फ रजिस्टर्स हो तो रजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट चाहिए होता है तो बैटरी उन्हें करंट दे देती है। कैपेसिटर्स को चार्ज चाहिए होता है तो कैपेसिटर को चार्ज दे देती है। अब कैपेसिटर में अगर क्यू बाई सी चार्ज आ गया, मतलब क्यू सी ऐसा चार्ज आ गया सी ई, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ई हो जाएगा, तो बैटरी को उसका पोटेंशियल डिफरेंस ई दिख रहा है, अब वो चार्ज देने की जरूरत नहीं है, तो करंट क्यों फ्लो करवाएगी बैटरी? ओके चलो ओके। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जो भी हमने करा चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जब भी सर्किट में एक कैपेसिटर हो, सिर्फ एक कैपेसिटर हो, और बैटरी और रजिस्टर भले बहुत सारी हो, तब क्या करेंगे? कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल लो। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकाल लो। जैसे अभी के क्वेश्चन में हमारी एक बैटरी के साथ, देखो ये जो रजिस्टर है उसको मैं इधर भी दिखा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रजिस्टर यहाँ है उसको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता इसका, ठीक है। फिर एक रजिस्टर यहाँ है और इन टर्मिनल्स के बीच में हमें दिखा है कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर को छोड़ के बाकी जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, बैटरी का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो। यहाँ कोई बैटरी नहीं है तो मान लो जीरो वोल्ट की बैटरी लगी थी, यहाँ पर ई वोल्ट का सेल है, रजिस्टर दोनों तरफ आर है। अब क्या करेंगे? इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, सिंगल बैटरी और सिंगल रजिस्टर का सर्किट बन जाएगा जो अपने शुरू में करा था, है ना। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा यहाँ पे? ई बाय आर प्लस जीरो बाय आर अपॉन वन बाय आर प्लस वन बाय आर, तो देखो ये ई बाय टू आ रहा है। फिर रजिस्टर निकालो, दोनों आर और आर पैरेलल में है, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय टू। तो इफेक्टिवली सर्किट मुझे क्या दिख रहा है? एक ई बाय टू का सेल है और एक आर बाय टू का इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल में, और यहाँ पर एक कैपेसिटर दिख रहा है सी। ये वही सर्किट बन गया ना शुरू में करा था अपन ने, एक बैटरी एक रजिस्टर एक कैपेसिटर। तो इसका तो आप चार्ज करंट सब निकाल चुके थे, लिख दो, है ना। इसमें क्यू मैक्स वो होता था कैपेसिटर की कैपेसिटी इंटू बैटरी का ईएमएफ, और टाइम कांस्टेंट वो होता था रजिस्टर इंटू सी। तो देखो वही आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसकी इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स वन माइनस की पावर माइनस टी बाय टाउ। कुछ समझ में आया? तो जब भी सिंगल कैपेसिटर हो ना, तो कैसा भी सर्किट कितना भी बड़ा बना के दे दे आपको, आपके लिए बहुत इजी हो। क्यों? क्योंकि आप बैटरी से सीरीज पैरेलल कर लो, उसके बाद रजिस्टर कैपेसिटर को केवल एक रजिस्टर और एक बैटरी दिखेगी, फिर उस एक रजिस्टर एक बैटरी से आप सब कुछ लिखना जानते हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। अंशुल पूछ रहा है वाई ओनली सिंगल कैपेसिटर, सिंगल नहीं हो डबल ट्रिपल हो ना तो फिर अपन को मुश्किल आएगी, फिर हमको लिखते नहीं बनता। आप खुद ट्राई करना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करना, खुद ट्राई करोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, ट्राई करना। ये बैटरी दिखाई मैंने, ये रजिस्टर एक कैपेसिटर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ। चलो ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, दिख रहा है क्वेश्चन पूरा? सारे रजिस्टर्स आर है, तीन रजिस्टर दिखाए तीनों आर है, दो कैपेसिटर दिखाए दोनों सी मान लेना, और ये बैटरी ईएमएफ की मान लेना, और सर्किट टी जीरो पे स्विच ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते टी जीरो पे स्विच ऑन कर रहे हैं, उसके पहले दोनों अनचार्ज थे। तो आप इसको कोशिश करो तो अपने आप समझ में आएगा, इसको बेसिक से करने की कोशिश करो जैसे ये करा है,
तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फंसोगे आप। हाँ, कई बार कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हो जाता है, कई बार होगा नहीं। जैसे यहां पर इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फंसेंगे अपन। और कई बार इक्विवेलेंट हो जाता है, सीरीज में या पैरेलल में दिखते हैं कैपेसिटर, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, सीरीज पैरेलल कर दो कैपेसिटर का, सिंगल कैपेसिटर बना लेना उसको, ठीक है। चलो, तो चार्जिंग वाला केस समझ में आ रहा है आपको, जब एक अनचार्ज कैपेसिटर को सेल से जोड़ दे अपन किसी सर्किट में, तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, उसके चार्ज की इक्वेशन क्या आएगी वो सब अपन ने पढ़ लिया। चार्जिंग वाला केस क्लियर? यस, वेरी गुड। अच्छा, इसमें कैपेसिटर शुरू में चार्ज नहीं हो तो भी आप कर सकते हो, शुरू में अनचार्ज कैपेसिटर हो, यहाँ पे शुरू में कैपेसिटर पे कुछ चार्ज दिया हो तब भी आप कर सकते हो, जो इस पे इनिशियल चार्ज है लिमिट में वो लगा देना, है ना, जो इनिशियल चार्ज है लिमिट में वो लगा लोगे, ठीक है। तो ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को भी सर्किट में जोड़ दो तो उसके चार्ज की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो अपना एक ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और जितने भी आरसी सर्किट में चार्जिंग के क्वेश्चन आएंगे, सब में ही कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ बदलता है, सब में ही कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ बदलेगा, तो कुछ चार्ज की टाइम के साथ वेरिएबल इक्वेशन आएगी और फिर उसका ग्राफ आप पूछ सकते हैं आपसे। तो ग्राफ सारे ही एक्सपोनेंशियल टाइप के कुछ बनते हैं, तो एक्सपोनेंट के ग्राफ आप आपको अच्छे से आना चाहिए। अब दूसरा केस देखते हैं अपन, देखो डिस्चार्जिंग, केस टू डिस्चार्जिंग, आरसी सर्किट का सेकंड केस डिस्चार्जिंग। If a charged capacitor is connected through a resistor, और कोई बैटरी नहीं लगाई, सिर्फ R और C, resistor और capacitor, और capacitor शुरू में charged था, तब ऐसे केसेस में क्या होता है, capacitor धीरे धीरे अनचार्ज होने लगता है, धीरे धीरे उसका चार्ज कम होने लगता है, that's why हमने यहाँ पे लिखा discharging। मान लो मेरे पास एक capacitor है which was charged, उसको मैं एक resistor से connect करने वाला हूँ, ये कोई कैपेसिटर है कैपेसिटी सी का, और उसमें पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज थे, बाय सम मैकेनिज्म इसे हमने चार्ज कर रखा था, इसके अक्रॉस तो बैटरी लगा रखी थी कुछ था जिससे चार्ज हो चुका है और प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है। अब क्या करा, इसको मैं एक रजिस्टर आर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। चलो अब इसको सॉल्व करते, मान लो टी जीरो पे हमने सर्किट को स्विच ऑन कराया, तो आफ्टर सम टाइम सर्किट की सिचुएशन देखते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कैपेसिटर से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है रजिस्टर को, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो रजिस्टर को मिल रहा है, रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसमें करंट आता है, तो डेफिनेटली यहाँ करंट होना चाहिए, यहाँ हायर यहाँ लोअर पोटेंशियल था तो करंट ऐसा जाना चाहिए रजिस्टेंस में, तो रजिस्टेंस में कुछ ऐसा करंट दिखना चाहिए मुझे, कितना करंट है मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि करंट स्मॉल आई है, मैंने मान लिया सर्किट में स्मॉल ए करंट फ्लो कर रहा है, और अगर ये करंट स्मॉल ए से फ्लो करेगा तो कैपेसिटर की प्लस प्लेट से देखो चार्ज बाहर जा रहा है, तो उसका चार्ज बदल जाएगा, हम मान लेते हैं स्मॉल क्यू और यहाँ माइनस स्मॉल क्यू चार्ज हो गया, कैपेसिटर का चार्ज मैंने चेंज मान लिया, रीजन बिंग क्योंकि कैपेसिटर से करंट फ्लो हो रहा है बाहर तो उसका चार्ज बदलना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या, किसी टाइम टी पर हमने कैपेसिटर का चार्ज और सर्किट में करंट अज्यूम कर लिया। अब चलो केवीएल की इक्वेशन बना लेते, नाउ बाय केवीएल यहां से यहां जाते, प्लस क्यू बाय सी, कैपेसिटी सी मानी थी, रजिस्टर में माइनस आईआर इक्वल टू जीरो, ठीक है, आईआर को उधर ले जाओ तो आईआर इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय सी, फिर आई को देखो क्या लिखेंगे, ये करंट जाने से कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है ना, तो आई शुड बी माइनस डी क्यू बाय डीटी, I को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख रहा हूं मैं, माइनस क्यू लगा रहा हूं,
माइनस क्यों लगा रहा हूं? चार्ज कम हो रहा है तो मुझे माइनस लगाने की जरूरत क्या है? ऑटोमेटिक करंट नेगेटिव आ जाता, बताओ माइनस क्यों लगा रहा हूं? चार्ज कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक करंट नेगेटिव आ जाता, मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं स्पेशली? चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो करंट ऑटोमेटिक नेगेटिव आता ना, मुझे माइनस की जरूरत क्या है यहां पे? बोलो करंट नेगेटिव आ जाता, करंट नेगेटिव भी हो सकता है, करंट नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती, दिमाग लगाओ थोड़ा। बिकॉज इट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, यस। एक मैंने चार्ज को कैपेसिटर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है यहां पर, प्लस माइनस साइन मैंने डिफाइन कर दिया है। दूसरी चीज, मैंने करंट की डायरेक्शन भी डिफाइन करी है ना? तो करंट की डायरेक्शन डिफाइन करने पे मैं करंट का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूं यहां पर। ये आई करंट का मैग्नीट्यूड है और ये dQdt कैपेसिटर पे चार्ज का रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज शुड बी नेगेटिव, तो उसमें माइनस लगा के करंट का मैग्नीट्यूड आएगा। जब भी आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाते हैं तो मैग्नीट्यूड और साइन के साथ बनाया करो इक्वेशन, नहीं तो फिर एक साइन की मिस्टेक हो सकती है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन मैंने मान ली थी, अब अगर करंट को मैं सीधा सीधा dQdt लिख देता ना, तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती, मतलब ऐसा हो जाता, तो सब गड़बड़ हो जाती। मैंने डायरेक्शन मान ली थी, देखो करंट की ये है, ठीक है, तो मैं करंट का मैग्नीट्यूड लिखूंगा बस। बात समझ में आई? यस, है ना? चलो फिर से बता देता हूं मैं। मैंने यहां करंट की डायरेक्शन मान चुका हूं, मैं करंट की डायरेक्शन यहां पर अज्यूम कर चुका हूं और फिर करंट का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूं मैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट शुड नॉट बी dQdt, इट शुड बी माइनस dQdt, समझे? देखो अच्छे से, ओके, यस, ठीक है। चलो तो अब ये अपन को क्लियर हो गया है कि मैंने आई को माइनस dQdt क्यों लिखा। अब ये माइनस dQdt डाल देता हूं आई को, और इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, उसे इंटीग्रेट करके अपन चार्ज निकाल लेते हैं। आई को लिखो माइनस dQdt, तो आर इंटू dQdt विद नेगेटिव साइन शुड इक्वल टू क्यू बाय सी। ये क्यू को यहां लेके आ जाते हैं, तो माइनस आर dQ बाय क्यू इक्वल टू 1 बाय सी डी टी, ठीक है। बस अब इसे इंटीग्रेट कर लो। हमें पता है टी जीरो पर कैपेसिटर पर चार्ज क्यू था, टी टाइम पर कैपेसिटर का चार्ज स्मॉल क्यू माना है मैंने, चार्ज के लिमिट्स वगैरह पता है आपको। बस इसे सॉल्व करो, माइनस आर कांस्टेंट है, यहाँ पे ln क्यू आ जाएगा, लिमिट्स कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू, उधर 1 बाय सी, टी में लिमिट लगा देना, तो ये माइनस साइन को उधर ले जाओ या आर को भी उधर ले जाओ, तो ln स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू शुड इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करो, क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये इक्वेशन आ गई देखो चार्ज की, ठीक है, देखो अच्छे से। अब इसका ग्राफ बना लेते, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉन्स्टेंट, थोड़ी देर पहले अपना करंट ऐसे ही आया था, तो जो पहले करंट का ग्राफ आया था ना, वैसे ही दिखने में ग्राफ होगा, ये इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ज रहेगा शुरू में क्यू और धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पर भी टी को आर सी रखो, टाइम कॉन्स्टेंट, टी इक्वल टू आर सी को मैंने बोल दिया टाउ, टाइम कॉन्स्टेंट, यहाँ पर भी टाइम कॉन्स्टेंट आता है। देखो आर सी टाइम पर क्या होगा, तो टी को आर सी डालो तो e की पावर माइनस वन मतलब 37% चार्ज, 37% बचेगा, 37% चार्ज बचेगा आर सी या टाइम कॉन्स्टेंट टाइम पर, 37% ऑफ क्यू बचेगा। तो आपकी बात 63% डिक्रीज हो रहा है,
चार्ज 63% डिक्रीज हो रहा है। टाइम कांस्टेंट वो टाइम हो रहा है जिसमें यहाँ पे 63% चार्ज कम हो गया, पिछले बार 63% बढ़ गया था, अब 63% कम हो गया। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो टाइम कांस्टेंट की। इन डिस्चार्जिंग सर्किट द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच कैपेसिटर गेट 63% डिस्चार्ज। चलो यशवर्धन बोल रहा है माइनस डी क्यू क्यू लिया, ये माइनस क्यू लिया वही तो अच्छी तरह से समझा था बेटा अपन ने। ये पूछ रहे हो क्या आप? यस, तो वही तो मैंने बताया था, बिकॉज डी क्यू इज नेगेटिव, कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है, डी क्यू खुद नेगेटिव है, तो मैं करंट को अगर डी क्यू बाई डी टी लिख देता ना तो वो नेगेटिव हो जाता, मुझे करंट का मैग्नीट्यूड लिखना है, इसलिए माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखा मैंने, माइनस लगाने से वो मैग्नीट्यूड बन गया। ठीक है चलो, तो क्या अब ये सब चीजें क्लियर? टाइम कॉन्स्टेंट टर्म में आ गया, अब के बाद टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम है जिसमें 63% कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, पिछली बार चार्जिंग में 63% चार्ज होता था, अब डिस्चार्जिंग में 63% डिस्चार्ज होगा। चलो इसमें बाकी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर वो क्यू बाय सी निकाल देना, तो क्यू बाय सी निकाल देना कितना आएगा, है ना, इक्वेशन लिख सकते हो, तो क्यू बाय स्मॉल क्यू बाय सी लिखेंगे, कैपिटल क्यू बाय सी डीसी पावर माइनस टी बाय आर सी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर वो आई आर होगा, तो क्यू बाय सी के बराबर ही आएगा, देखना मैग्नीट्यूड में ये दोनों पैरेलल में जैसे है ना, बराबर ही आएगा देखना है। ठीक है, सर्किट में करंट वरेंट कोई पूछे तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस डी क्यू बाई डी टी लगा देना, तो आएगा क्यू बाय आर सी उसको आपने रेजिस्टर से डिवाइड करा है, तो शुरू का जो मैक्सिमम करंट है यहाँ पे वो क्यू बाई सी अपॉन आर ऐसे निकाला है। बोलो ये चीज क्लियर हो रही है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सर्किट में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सब अपन ने निकाल दिया। और भी कुछ कुछ चीजें पूछी जाए, जैसे कैपेसिटर की एनर्जी पूछी जाए आपसे, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो वो भी निकाल सकते हो, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी करके स्मॉल क्यू कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू लिख देना, तो आ जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू सी टी की पावर माइनस टू टी बाय आर सी, कैपेसिटर की एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, ये एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रही है, कैपेसिटर की एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसके एनर्जी का रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, और वही आएगा जो रजिस्टर में पावर डेवलप हो रही है, क्योंकि रजिस्टर को करंट किसने दिया, इसको करंट किसने दिया, कैपेसिटर ने, तो रजिस्टर को पावर किसने दी, कैपेसिटर ने, रजिस्टर में जो पावर डेवलप होने का रेट आएगा ना आई स्क्वायर आर उसके बराबर आएगा, माइनस इससे लगाया मैंने क्योंकि ये नेगेटिव आने वाला है, यहाँ नेगेटिव लगा लो तो दस प्लस लिख लेना, ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, कैपेसिटर का एनर्जी का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मैग्नीट्यूड में आई स्क्वायर आर के बराबर हो गया। तो डिस्चार्जिंग वाला केस भी समझ में आ रहा है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में हम क्या करेंगे समझ में आ रहा है, इसमें डिस्चार्जिंग में जो इक्वेशन बनती है चार्ज की वो होती है शुरू का मैक्सिमम चार्ज e की पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना, और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस मल्टीपल रजिस्टर्स आ गए, अभी तो केवल एक ही रजिस्टर दिखाया, मल्टीपल रजिस्टर्स आ गए तो सारे रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट होगा वो दिखा देना, मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस दिखा के फिर ये सब इक्वेशन लिख देना। ठीक है चलो नोट कर लीजिए जल्दी से,
नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। देवेश बोल रहा है सर, लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज होंगे, मतलब कैपेसिटर तो चार्ज होंगे, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो देवेश? इक्वेशन कैसे निकालेंगे फिर, किसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, किसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट नहीं, मैंने बोला आपको कि अगर रजिस्टर्स बहुत सारे दे दिए जाए, आपको कैपेसिटर एक दिया उसके साथ में कई सारे रजिस्टर दे दिए, तब क्या करेंगे, उन सब रजिस्टर का सीरीज पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन होगा आर इक्विवेलेंट लगा देंगे अपन यहाँ पर, और फिर इक्वेशन ये लिख देंगे। ठीक है अंशुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कुशाग्र। चलो अब ज्यादा टेंशन मत लो, क्वेश्चंस करते हैं अपन, क्वेश्चंस के साथ साथ समझ में और चीज आएगी, है ना, हर चीज एकदम अभी याद हो जाए जरूरी नहीं है, है ना। ठीक है, थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बचे अपने, एक बार क्वेश्चंस कुछ कर ले अपन, फिर थ्योरी के और पॉइंट्स सीखेंगे अपन। ठीक है चलो, तो लिखो क्वेश्चन फर्स्ट। लिखो क्वेश्चन फर्स्ट। द फॉलोइंग सर्किट इज स्विच्ड ऑन, देखो द फॉलोइंग सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट टी इक्वल टू जीरो। द फॉलोइंग सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट टी इक्वल टू जीरो विथ कैपेसिटर अनचार्ज्ड, विथ कैपेसिटर अनचार्ज। द फॉलोइंग सर्किट इज स्विच ऑन एट टी इक्वल टू जीरो विथ कैपेसिटर अनचार्ज। फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सर्किट एंड मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सर्किट एंड मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। करो, द फॉलोइंग सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट टी इक्वल टू जीरो एंड कैपेसिटर वॉज अनचार्ज। शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज था, सर्किट दिया है मैंने आपको, टी जीरो पे सर्किट स्विच ऑन कराया, आपसे पूछ लिया सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट क्या है और कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज क्या होगा। करो, चलो मेरे पास जवाब भी आ गया बुराउद्दीन दिन का, वेरी गुड, वैभव का भी आ गया। चलो गगनदीप का भी आ गया। चलो यस, बिल्कुल सही, तेरे पास एक डाउट आया है तो उस डाउट का आंसर है यस। ही ट्वीट का कुछ पूछा था, यस सजल। चलो
तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, मैक्सिमम बच्चों के तो आंसर आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया। आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा है और मैक्सिमम चार्ज पूछा है, तो दोनों ही बहुत आसान है, क्योंकि सर्किट को अपन है ना इक्विवेलेंट सेल बना सकते हैं अपन, तो इक्विवेलेंट सेल बना लेते हैं इसका। तो ये बैटरी 2E की, रजिस्टर आर, ये ई, ये रजिस्टर आर अपोजिट कनेक्टेड है, तो ये डोमिनेट करेगी क्योंकि ईएमएफ 2R है, 2E है, तो इसको डोमिनेट करके ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 2E बाय आर माइनस ई बाय आर अपॉन 1/r + 1/r। न्यूमरेटर में 2e/r - e/r, तो e/r बचेगा, डिनोमिनेटर में 2/r आएगा, e/2 आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर और आर का r/2, तो यहाँ पर हमें बैटरी दिखेगी e/2 की, रजिस्टर दिखेगा r/2 का, एक रजिस्टर आर और भी लेकिन सर्किट में, ये सर्किट है, तो रजिस्टर आर और ये मिलकर इक्विवेलेंट रजिस्टर 3r/2 दिख गया, तो टाउ अब आ जाएगा मेरे पास 3r/2 × c, आर इक्वल इंटू सी। बैटरी का ईएमएफ e/2 है, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर वो जाता है सी, तो e/2 × c आंसर। सर इसमें 1 और 0 वोल्ट की बैटरी मानकर क्यों नहीं किया, क्या जरूरत है 1 और 0 वोल्ट की बैटरी मानकर? यहाँ पर 0 वोल्ट मानोगे तो रजिस्टर के साथ जो बैटरी आएगी और उधर जो बैटरी रहेगी वो तो सीरीज में होगी, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस जोड़ लो ना, इसमें बैटरी क्यों मानने की जरूरत है? ठीक है, कोई बात नहीं अंश। चलो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये, अगर अपन बेसिक थ्योरी समझ लो अच्छे से ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये। तो पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का आ गया आपका, दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, राइट इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन लिखो, कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन लिखो। टी जीरो पे सर्किट स्विच ऑन करा था मैंने, बताया था क्वेश्चन में आपको, और टी जीरो पे सर्किट में कैपेसिटर अनचार्ज था ये भी बताया था। बहुत बढ़िया, तो बहुत आसान होती है ये, चार्ज की इक्वेशन लिखना, वो आ जाएगी मैक्सिमम चार्ज t/2 हो रहा है जो (1 − e^-t/τ), और टाउ की वैल्यू कितनी आ रही थी 3rc/2, तो 2t/3rc आंसर। ठीक है, चल अगला पार्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट, वॉट इज करंट थ्रू कैपेसिटर एंड 2E सेल, कैपेसिटर से और 2E सेल से करंट बताना है, कब? एट t = 3RC time, t = 3RC time, t = 3RC time पर आपको कैपेसिटेंस में कितना करंट है और 2E सेल से कितना करंट है ये बताना है। करो, थ्री आर सी टाइम पर कैपेसिटर से कितना करंट है और 2E वाले सेल से कितना करंट है, बताओ। चलो गोपाल का जवाब आया है, चेक करते गोपाल अपन।
गगनदीप कब आया है देखते गगनदीप। चलो काफी बच्चों के जवाब आ गए मेरे पास। देखो 3 आवर के टाइम पर कैपेसिटर का चार्ज पता है, उसमें तो करंट लिखना बहुत आसान है। इसमें करंट लिखना बहुत आसान है, कैसे? करंट इन कैपेसिटर हो जाएगा उसके चार्ज का रेट ऑफ चेंज, उसके चार्ज का रेट ऑफ चेंज। तो उसे डिफरेंशिएट कर लो तो सी बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, 1 माइनस e की पावर वाले डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 बाय 3 आरसी बाहर आएगा और e की पावर -2t बाय आरसी 3 आरसी ऐसे रिजल्ट आएगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन करके आ गया माइनस माइनस प्लस, बाय टू कैंसिल, एक सी से सी कैंसिल, तो बाय टू कैंसिल हो चुका है। तो e बाय 3 आर e की पावर -2t बाय 3 आरसी, ये बाय 3 इक्वेशन कैपेसिटर से करंट की। टी को बस 3 आरसी डाल दो, इसमें जो बोला है टाइम उन्होंने, तो कैपेसिटर से करंट एट टी इक्वल टू 3 आरसी, इसमें टी को 3 आरसी डाल दो, बाय 3 आर टी की पावर यहाँ 3 आरसी डालेंगे तो -2 बचेगा। ये इक्वेशन आ गया, टी की पावर -2 को 1/e² भी लिख सकते हो, तो ई अपॉन 3 आर स्मॉल e² आ गया कैपेसिटर से करंट। अब रही बात इस सेल से करंट की, तो वो बेसिक से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर लोगे। वो बेसिक से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर लोगे, ठीक है? क्योंकि मैंने तो कैपेसिटर के चार्ज की इक्वेशन पूछी आपसे, यहाँ वो आपको आती है, तो सेल से करंट का तो कुछ भी नहीं निकाला ना आपने, तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। आपको देखो यहाँ का करंट पता चल चुका है कितना है, कैपेसिटर का करंट पता चल चुका है, और ऑफकोर्स ये सेल हायर ईएमएफ का था तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज आने वाला था, तो आप जानते हो कि इधर करंट की डायरेक्शन क्या है। ये करंट पता है तो यहाँ का निकालना आसान है। यहाँ का करंट मान लो कुछ कैपिटल आई है, उसमें से बचा हुआ आई माइनस आई सी इसमें जाएगा। अब केवल की इक्वेशन लिख लो, करो यहाँ केवल की इक्वेशन लिखो, तो 2e माइनस आर में आई माइनस आई सी बैटरी प्लस ई, देन फिर रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं आर को, तो माइनस आई आर इक्वल टू 0। कैपिटल आई ढूंढना है आपको, कैपिटल आई वाले काम एक तरफ कर लो, माइनस आ रही उधर जाके 2 आ रही हो जाएगा, तो 2e माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आर आई सी, ये e यहाँ पे जोड़ दो, 3e कर दो, और आई सी की वैल्यू तुम्हें पता है वो उठा के सब्सिट्यूट कर दो, बस वो सब्सिट्यूट करो 2r से डिवाइड करो, तो 3/2r, 2r से डिवाइड करा तो हाफ ऑफ आई सी, और आई सी की वैल्यू यही थी e/3r e². थोड़ा अच्छे से लिख लो ये आंसर, तो e बाय बस मैंने तो ऐसे e बाय चाहो तो कॉमन ले लो, 3/2 प्लस 1/6 e² ये आंसर है। इसमें कई बच्चों की गलतियां हुई होगी डेफिनेटली, बताओ किस किस का सही आया था, ये किस किस का सही आया था? हाँ सेल वाला गलत आया, बिल्कुल सही, सही गलत कुछ भी नहीं आया। अच्छा दो इक्वेशन कैसे लिखी, सेकंड इक्वेशन कैसे लिखी, ये इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, केवीएल मैंने बोला ना इसमें केवीएल की इक्वेशन लिख दी मैंने, केवीएल, ठीक है? इस लूप में केवीएल की इक्वेशन बना ली, यहाँ पर सेल से करंट कैपिटल आई मान लिया था मैंने, और कैपेसिटर का करंट तो तुम्हें पता है, तो यहाँ पे कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई करंट गया। अब इस लूप में केवीएल की इक्वेशन लिखी और आईसी की वैल्यू डाल दी, ठीक है? यही तो बोल रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन कैसे रहा वही तो बताया मैंने, ये पूछ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, दिस इक्वेशन इज बाय केवीएल,
अच्छा ओके वेरी गुड, है ना, वो मैंने इक्वेशन लिख को थोड़ा सॉल्व कर दिया है और फिर आईसी की वैल्यू डाल दी, आईसी की वैल्यू आपको पता थी ना R3 RC टाइम पे, वो डाल दी, ठीक है। चलो तो देखो कुछ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्योरली मतलब अपन को आरसी सर्किट में भूल गए करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी केवीएल केसीएल तो ये मस्त ही है हर क्वेश्चन में, वो तो आना ही चाहिए आपको। वेरी गुड अंशुल, वो भी चलेगा। मेरे पास एक डाउट आ रहा है सर, इसमें डिवाइड क्यों नहीं कर सकते आईसी को आरआर रेजिस्टेंस में, आईसी को आरआर रेजिस्टेंस में डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, कैसे किसको डिवाइड करोगे आप, कौन से दो रेजिस्टेंस आपको सीरीज पैरेलल में दिख रहे हैं, यहाँ तो कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है ही, तो आप करंट को कैसे डिवाइड करोगे बताओ गोपाल, बैटरी है उनके साथ, हाँ हाफ ऑफ थोड़ी कर सकते हैं, बैटरी कनेक्टेड है ना तो कोई सीरीज पैरेलल थोड़ी कर सकते, फिर अपन बैटरी के साथ थोड़ी हम कर सकते ऐसा, ठीक है ओके। चलो तो ये अपन ने क्वेश्चन देखा, इसके अंदर मैंने आपसे कुछ कुछ चीजें पूछ ली, एक और क्वेश्चन करते, अभी तो एक ही क्वेश्चन करा है उसमें हालांकि तीन पार्ट करे अपन ने, एक और क्वेश्चन करते। अच्छा आप लोगों का क्लास का टाइम अभी हो चुका है तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री की नहीं है फिजिक्स की ही है, नेक्स्ट केमिस्ट्री की नहीं है फिजिक्स की ही है, ठीक है। चलो तो सर को कुछ काम था तो इसलिए आज मेरी क्लास है और किसी एक आज के फिजिक्स की क्लास सर ले लेंगे, है ना। तो 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आपको मैं, 10:55 हुआ है मेरी घड़ी में, तो 11:05 पे स्टार्ट करेंगे अपन, ओके बच्चों, चलो बाय सबको।